वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं कंसेप्ट सब्लिमेशन की एक और नई वीडियो। तो गाइस ये जो वीडियो है आज हमारी वो है सब्लिमेशन प्रिंटेबल टेबल मैट्स, बार मैट्स कह सकते हैं उन्हें, माउस पैड्स भी कह सकते हैं उन्हें, डिजिटल प्रिंटिंग पैड्स भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम से यूज होते हैं ये सारे आइटम्स जाने जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक बार लुक आपको दिखाऊं कैमरे को थोड़ा पास करके, तो ये है एग्जैक्टली। तो वीडियो जो है आज हमारी वो इस आइटम से रिलेटेड है, माउस पैड से रिलेटेड है, बार मैट भी हम लोग इस आइटम को कहते हैं, तो इस चीज से रिलेटेड है हमारी आज ये वीडियो। प्रिंटिंग किस तरीके से आपने करनी है, कुछ क्लाइंट्स के मन में सवाल उठता है कि प्लेसमेंट कैसे रखनी है मशीन के अंदर, किस तरीके से हीट करना है, तो वो सारी चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा, किस तरीके से आपको रखना है, क्या शेप्स में, क्या शेप के अंदर आता है, तो वो सारी चीजें आज मैं लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज मेरे पास में है आज फ्लैट हीट प्रेस 16x24। सबसे पहले तो इस बड़ी मशीन का रखने का आज मेरा एक ये मकसद है, एक तो क्लाइंट ने कमेंट किया था यूट्यूब पर कि सर आप सारी वीडियोस कॉम्बो मशीन के साथ में बनाते हो, एक भी फ्लैट हीट प्रेस के साथ में नहीं बनाते हो जो इंडिविजुअल फ्लैट हीट प्रेस आती है। तो उसी कमेंट को नजर रखते हुए तो हम लोगों ने ये मशीन रखी हुई है, जिसके ऊपर आज मैं आपको प्रिंटिंग करके दिखाऊंगा, फ्लैट हीट प्रेस जिसका टेम्परेचर सेल्सियस में होता है। टेम्परेचर सेटिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रखनी है। तो मेरे पास में है ये मैट जिसकी मैं प्रिंटिंग एक बार आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से होनी है। ये आइटम है जिसके ऊपर मैं प्रिंटिंग करूंगा, जो स्टैंडर्ड शेप्स हैं एक बार मैं आपको दिखा दूं, जो स्टैंडर्ड शेप्स रहती हैं हमारे पास में वो तीन ये शेप्स हैं, एक आपका रेक्टेंगल शेप में, एक ये सर्कल शेप में। मैं आपके लिए पॉली से बाहर निकाल देता हूं एक बार, ये आपका सर्कल शेप में और ये है आपका हार्ट शेप में। ये स्टैंडर्ड शेप्स हैं, बाकी इसके अलावा साइज तो कई सारे आते हैं क्योंकि ये रोल फॉर्मेट के अंदर होता है जनरली, तो रोल काफी बड़ा होता है, उसके अंदर से आप जो साइज बोलोगे वो साइज निकल जाता है। स्टैंडर्ड ये तीन साइज हम लोगों के पास में रेडी रहते हैं, बाकी तो बहुत सारे साइज हैं, 12x18 इंचेस हो गया, 16x24 इंचेस हो गया, 11x18 इंचेस हो गया, बहुत सारे साइज इसके अंदर आते हैं। तो फिलहाल मेरे पास में है ये जो टेबल मैट है, बार मैट है, 20x8 इंचेस, पॉली से बाहर निकालता हूँ, ये है मेरे पास में जो प्रिंटिंग करूंगा मैं, ठीक है। पहले मैं टेम्परेचर की तरफ एक बार आपको हल्का सा आइडिया दे दूं, टेम्परेचर मैंने क्या सेट किया हुआ है बार मैट को प्रिंट करने के लिए या टेबल मैट को प्रिंट करने के लिए या माउस पैड भी हम इसे कह सकते हैं। बेसिकली माउस पैड और बार मैट में देखो टेबल मैट में ये अंतर होता है, माउस पैड हो गया हमारा छोटा, ये जो स्टैंडर्ड साइज होता है छोटा जो हो गया ये हमारा माउस पैड है, और जहां इसका साइज को अगर हम बड़ा कर देते हैं फिर ये जो कहलाएगा हमारा कहलाएगा बार मैट या फिर टेबल मैट, जहां भी हमें इसे यूज करना है। तो बार में यूज करें तो बार मैट बोल दिया, टेबल के ऊपर रखा हुआ तो टेबल मैट बोल दिया। तो टेम्परेचर हम लोगों ने जो रखा हुआ है 190 डिग्री सेल्सियस, जो हम पहले तो गाइज मशीन यूज कर रहे थे वो मशीन हमारी फेरनाइट के अंदर थी, ये भी फ्लैट हीट प्रेस है, ये मशीन हमारी सेल्सियस के अंदर है, ठीक है। 190 डिग्री सेल्सियस पर टाइमिंग रखेंगे हम 60 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स है, टाइमिंग को हम 60 सेकेंड्स कर लेंगे। टाइम का बटन प्रेस करा हमने और इसे हमने 60 सेकेंड्स कर दिया, फाइन। और टाइम का बटन फिर से प्रेस करा, 190 डिग्री सेल्सियस पे 60 सेकंड्स के लिए हम लोगों ने सेट कर दिया, 190 मशीन पहुंच गई है, मशीन बिल्कुल रेडी है प्रिंटिंग के लिए। तो मेरे पास जो प्रिंट है वो है कुछ इस तरह का, ये है मेरे पास में प्रिंटिंग करने के लिए, जो मैं प्रिंटिंग इसके ऊपर करूंगा, ठीक है। एक बार मैं पेपर इसके ऊपर लगाता हूँ फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। गाइस देखो दूसरी चीज ये थोड़ा इधर आ जाता हूँ, मैं आपको दूसरा चीज बता रहा था, ये जो टेप आज हमारे पास में जिस टेप की आज हम हेल्प लेने वाले हैं गाइस, ये हीट टेप नहीं है, ये हमारे नॉर्मल सेलो टेप है। हीट टेप बेसिकली क्या है, जो माउसपैड की ये टेबल मैट के पीछे जो रबर लगी हुई है इसके ऊपर जो है होल्ड नहीं हो पाती है, जो हीट टेप होती है हमारी, तो हम नॉर्मल सेलो टेप यूज करेंगे और जैसे ही हमारा बार मैट या टेबल मैट प्रिंट होगा हम तुरंत से इस टेप को हटा लेंगे, ठीक है। तो कुछ खास इफेक्ट नहीं आएगा, ये हमने लगा लिया इस तरीके से। अब एक बार मैं टेपिंग कर देता हूँ फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने टेपिंग कर दी है, मैंने चारों कोनों पर टेप लगाया। एक मैं दूसरी चीज आपको ये बता दूं, जो प्रिंटआउट निकला हुआ था बिल्कुल एक्यूरेट साइज के साइज का निकला हुआ था, हमें हल्का सा मार्जिन लेकर के प्रिंटआउट निकालना चाहिए लेकिन कुछ मिस्टेक्स की वजह से ये बिल्कुल एग्जैक्ट निकला है उसी के साइज का, हल्का सा हमें मार्जिन लेना चाहिए ताकि अगर टेबल मैट हमारा इधर उधर हो तो प्रिंटिंग वो कवर कर ले। खैर चलो कोई बात नहीं, हमने इसलिए चारों कोनों पर एग्जैक्ट करके टेप लगा दिया है, हिलने का सवाल ही नहीं है। तो हमने लेकर क्या इस तरीके से बेसिकली रबर हमारा नीचे जाएगा, पेपर हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। हमने नीचे टेफ्लॉन शीट लगाई हुई है क्योंकि जो थोड़ा बहुत माइनर एक्स्ट्रा पार्ट है वो अगर आएगा तो आपका टेफ्लॉन शीट के ऊपर रुक जाएगा, नीचे वाले बेस पे नहीं लगेगा, ठीक है जी। हमने रखा इस तरीके से, फाइन, और हमने मशीन को प्रेस कर दिया।
अब जैसे ही हमने 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू डाला था इसके अंदर, अब 60 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है और जैसे ही 60 सेकंड ओवर होंगी मशीन कंटिन्यूसली बीप करेगी। फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जैसा कि टाइम चल ही रहा है तो मैं एक दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइस एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें इनकी, देखो ये जो माउस पैड है रिटेलिंग में भी और प्रमोशन में भी दोनों ही जगह चलता है। ऐसी कोई ही जगह होगी जहां पर कंप्यूटर ना हो, लैपटॉप ना हो, या जहां पर माउस का यूज ना होता हो। माउस पैड तो आपको हर जगह चलेगा, रिटेलिंग में भी और प्रमोशनल में भी, ठीक है। और माउस पैड आपने कई तरह के सुने होंगे, लेकिन एक ये ऐसा प्रीमियम क्लास का माउस पैड है जो आपका एंटी रिंकल है, जिसके अंदर आपका रिंकल नहीं आएगा, एंटी स्लिप है कि आपका स्लिप नहीं होगा। मैं भी कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर में, एक बार मशीन बीप कर रही है, आइटम को हमारा निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारा 00 लिखा रहा है यहाँ पे, मशीन कंटिन्यूसली बीप भी कर रही है तो हम इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमने फाइन, ये हमारा पेपर था और जो हमने जो टेप लगाई थी उसे हाथों हाथ अभी के अभी हम उसे निकाल देंगे बिना ज्यादा टाइम खर्च किए। अगर हमने थोड़ा भी देर इसे ठंडा होने का टाइम अगर दे दिया तो ये टेप जो है एज इट इज चिपक जाएगी इसके ऊपर, फिर निकलने में दिक्कत आएगी। गरम गरम तो इजीली निकल जाएगी, ठीक है। और क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर हम जो नॉर्मल वाली टेप हीट टेप है, हीट टेप का यूज नहीं कर सकते हम इसके अंदर। अगर हीट टेप का यूज करेंगे तो चिपकेगी नहीं आपका रबर के ऊपर और पेपर आपका अलाइनमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने मैंने प्रिंट करा, ये हम लोगों का प्रिंट आउट था और ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो इसका जो साइज था 20x8 inches का था, और बाकी जो मैं आपको बात बता रहा था वो मैं एक बार कंटिन्यू करता हूँ। अभी देखो जैसा मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो टेफ्लॉन शीट के ऊपर आ जाएगा, जैसा अभी देखो ये ग्रीन ग्रीन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सूखा कपड़ा है मेरे पास में, ड्राई क्लॉथ है और सीधा मैंने इसके ऊपर लगाया और ये आपका पूरा क्लीन हो गया, ठीक है। अगर अभी हम इस टेफ्लॉन शीट का यूज नहीं करते और एक बार हमारा इंक अगर इस सिलिकन मैट के ऊपर चला जाता, गलती से एक बार सिलिकन के मैट के ऊपर चला जाता, तो जितना भी आप नेक्स्ट टी शर्ट प्रिंट करते या कुछ और आइटम प्रिंट करते तो उसके अंदर फिर जितना भी इसके अंदर आपका इंक लगा होगा वो हर एक टी शर्ट के अंदर इंप्रेशन जाता। अब ये हमने टेफ्लॉन शीट लगाया था, हमने एक बार कपड़ा ड्राई क्लॉथ मारा इसके ऊपर, क्लॉथ लगाया, पूरा क्लीन हो गया, ये जो भी इंक एक्स्ट्रा इंक था वो सब क्लीन हो गया। एक बार जो मैं बता रहा था आपको, कंटिन्यू करता हूँ जरा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, माउस पैड्स आपने, टेबल मैट्स आपने कई तरह के सुने होंगे और सुने क्या, बेसिकली आते भी काफी तरह के हैं। तो ये जो प्रीमियम क्लास का माउस पैड है, प्रीमियम क्लास का टेबल मैट है, ये आपका एंटी स्लिप है। अगर आपने टेबल पे रख दिया, अभी जैसे देखो इसके नीचे रबर लगा हुआ है, एडवांटेज इसका ही आपने जैसे एक जगह रख दिया, ये यहां से मूवेबल नहीं है, हिलेगा नहीं, वो इधर उधर भगेगा नहीं। जैसे पीवीसी के माउस पैड्स आते हैं वो आप टेबल पे रख दोगे स्लाइड होते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे, तो ये एंटी स्लिप है। आपका एक बार आपने टेबल पे रख दिया तो वहीं का वहीं जम जाएगा, हिलेगा नहीं। दूसरा, रिंकल फ्री है, आप इसे कितना भी मोड़ लो, कितना भी मोड़ लो, ये बिल्कुल आपका एज इट इज रहेगा कि कोई भी इसके ऊपर रिंकल नहीं आएगा। और दूसरा, डिजिटली प्रिंटेड है, इसमें एक बार जो आपने प्रिंट कर दिया वो आपका लाइफ टाइम रहेगा, आपका प्रिंटिंग कभी इधर से उधर नहीं होगा। खैर और भी काफी सारे एडवांटेज है, उधर बातें करते रहेंगे हम लोग। दूसरा, अभी मैं आपको ये बता रहा था, जैसे ये कुछ फोटो स्टूडियो वाले हैं उनके पास में भी जैसे ऑर्डर आते हैं, उनके पास में बड़ा फॉर्मेट का, लार्ज फॉर्मेट की प्रिंटिंग का सेटअप नहीं होता है, या क्वांटिटी इतनी ज्यादा बल्क हो जाती है कि वो लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अगर इस माउसपैड की बात करूं, टेबल मैट की बात करूं, जैसे इसका साइज अभी 20x8 inches, जनरली ये जो प्रिंटिंग हमारी निकली है ये निकला है हमारा बड़े रोल फॉर्मेट के प्रिंटर के अंदर। तो छोटे फोटो स्टूडियो वाले, उन लोगों के पास में बड़े प्रिंटर नहीं होती है, बड़े हीट प्रेस मशीन नहीं होती है, तो लोग हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी लार्ज क्वांटिटी के अंदर, लार्ज फॉर्मेट के अंदर हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। जैसे ये भी ये मशीन है, इससे भी बड़ी बड़ी मशीन हम लोगों के पास में लगी हुई है, बड़े बड़े प्रिंटर्स, रोल फॉर्मेट में प्रिंटर्स हम लोगों के पास में, जिससे प्रिंट निकलेंगे। जैसे ये बड़ा वाला मैं एक आपको पीस दिखाऊं, ये वाला जैसे ये है आपका, ये सारा जो काम है हम लोग करते हैं। तो अगर बड़ी क्वांटिटी है, बल्क क्वांटिटी है, अगर आपसे फुलफिल नहीं हो पा रही, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग भी इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, रोल फॉर्मेट में आता है, जो साइज आप बोलोगे वो साइज कट जाएगा, डाई कटिंग प्रोसेस से कटिंग होगा, डाई हमारे पास में रेडी होगी तो वेल एंड गुड है, अगर डाई रेडी नहीं है तो कुछ मिनिमम चार्जेस पे, कुछ चार्जेस पे डाई आपकी रेडी हो जाएगी, टेबल मैट या बार मैट आपका कटिंग होगी आपको मिल जाएगा। तो करते हैं फिर वीडियो को एंड। वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था जितना मैंने आपको बता दिया है, प्रिंटिंग किस तरीके से करनी है, क्या एप्लीकेशन है, कहां पे इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटिंग कराना है, बल्क क्वांटिटी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग भी उसे फुलफिल कर देंगे। तो गाइज जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। नमस्कार, शुक्रिया।